नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो के अंदर। और ये वीडियो आपका एक न्यूज़ भी हो सकता है, ब्लॉग भी हो सकता है और बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। ये वीडियो हो सकता है तो आपका और आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य की जान बचा सकती है। फिलहाल मैं प्रेजेंट हूँ मथौली के 4 किलोमीटर बगल फरदाहा ग्राम सभा के पास में, और फरदाहा ग्राम सभा के बगल में एक नदी निकलती है। अभी आप देख सकते हैं नदी है, और ये नदी बहुत चर्चित है। फेसबुक पे सब बच्चे अपना रील्स बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, और यही वो नदी है जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे तमाम बच्चे नहाते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। यहाँ पे कितने सारे पब्लिक आई है, कितने सारे लोग आए और नहा रहे हैं। फिलहाल में मैं प्रेजेंट हूँ इस समय उसी नदी पे, जहाँ पे अभी आधे घंटे पहले एक लड़की की इस नदी के अंदर डूब के मौत हो चुकी है। मैं जो लड़का डूब के मरा था उसको कैसे भी करके निकाला गया, और उसको तुरंत मौके पे मथौली ग्राम सभा में सरकारी हॉस्पिटल पर ले जाकर एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची, वो मर गया। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये नदी जो देख रहे हैं, इस नदी में कभी भी कोई भी आगे स्नान ना करे, क्योंकि ये बहुत ही घातक नदी साबित हो सकती है। क्योंकि ये 9वां लाश था, 9 नंबर्स का मेंबर था, जो ये आपके सामने डिस्प्ले फोटो दिख रहा है, ये 9वां नंबर का लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई है। तो फिलहाल 8 लोगों की मृत्यु पहले भी हो चुकी थी, आज एक 9वां लाश 9 नंबर के लोगों की मृत्यु हुई है। तो यही वो लोकेशन है जहाँ पे उस लड़के की आज मृत्यु हुई है, जो फोटो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहेंगे कि आप अपने माँ बाप की बात को मानिए, और कभी भी उनके बात को टालिए मत, और कभी भी ऐसे लोकेशन पे, ऐसे जगह पे ना आके नहाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कोई पार्क, पिकनिक पार्क प्लेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नदी बह रही है, इसमें खुद आप अपने रिस्क पे आके नहा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ के कुछ आसपास के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात भी करूँगा, देखता हूँ क्या माहौल है, क्या हुई थी वो सारी चीज़ें। फिलहाल एक और मित्र मिले हैं जो इसी ग्राम सभा के हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सरताजन। सरताज जी, किस ग्राम सभा से आप हैं? ये फरदाहा। फरदाहा, तो फरदाहा के बगल में नदी है ना ये? हाँ। यहाँ पे कितने लोग आते हैं नहाने के लिए? डेली का 100-150 आदमी आते हैं। अच्छा, नहाने के लिए लड़के। हाँ। तो आज ये घटना जो घटी है वो कितने बजे घटना घटी है? वही 2-3 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ, थोड़ा मामला पूरा बताइए ना। वो नहाने के लिए आए उधर, उसके बाद वो लग रहा गाँव का थे 2-3 आदमी, उसके बाद वो गिर गए। अच्छा, उसके बाद साथ एक और लड़का था वो बचाने गया। हाँ। और उसके बाद वो लग रहा है ऐसे, मतलब वो बचेगा नहीं। हाँ। उसके बाद वो उन लोग छोड़ के गांव को भाग गए। अच्छा, गांव को छोड़ के भाग गए। हाँ। उसके बाद गांव को सुने हम लोग। हाँ। उसके बाद गए उधर नदी तरफ। हाँ। 1 घंटे रहे उधर, लग रहा था जैसे मिलेगा नहीं वो। हाँ। उसके बाद वो मिला। हाँ। हम लोग ढूंढे में गए उधर। हाँ। देखे तो हल्ला किए, उसके बाद 2 पुलिस आया। अच्छा, उसके बाद उसको निकाला गया। हाँ। निकालने के बाद उसके बाद पूरा चेक किया, उसके बाद गए मथौली ब्लॉक पे, उसके बाद वहाँ पे एक्सपायर हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब अब जब उसको पानी से निकाला गया था तब उसकी जान थी क्या? नहीं, ऐसा लग रहा था। हाँ, लग रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब जब गांव के लड़के छोड़ के चले गए थे तो आपके ग्राम सभा के लोग वहाँ पे गए थे। हाँ। तो वहाँ पे आप लोग छानबीन किए कि वही बैठे थे आप लोग? नहीं नहीं, छानबीन किए। तो पुलिस प्रशासन को किसने बुलाया, आप लोगों ने? हाँ, गांव के कुछ लोगों ने बुलाया। अच्छा, तो फिर लाश क्या पानी के अंदर से निकली कि मतलब? नहीं नहीं, पानी के अंदर से निकली। अच्छा, आप लोग खोजे नहीं मिला, ऐसे निकल गई ऊपर? नहीं नहीं, उसके बाद ढूंढे हम लोग, ढूंढने भी मिला। अच्छा अच्छा, तो फिर पुलिस वाले आए, उसको निकाल के ले गए हॉस्पिटल पे, और हॉस्पिटल पे उसकी जान चली गई। अच्छा, उस लड़के का नाम पता है क्या आपको? नाम मालूम नहीं। अच्छा, कहाँ का था ये पता है? रमकोला के पास, क्या बोल, लक्ष्मीगंज। अच्छा, रमकोला के पास लक्ष्मीगंज। अच्छा, कुछ लोग बताया लक्ष्मीगंज का था, तो रमकोला से आया था लक्ष्मीगंज से, इतना दूर है। तो आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पे लोग आके नहाए कि ना नहाए? नहीं, यही सब लोग कहेंगे यहाँ पर मत आइए आप लोग। अच्छा, इधर आना आपके लिए खतरा है। खतरा है तो अच्छा, पहले से भी बोल रहा हूँ, पहले से बोल रहे हैं आप। कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है बता रहे? कोई 10 या 11 हो गया। अच्छा, 10-11 लोग की मृत्यु हो गई। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल दोस्तों ये हमारे एक मित्र मिले हैं जो इसी ग्राम सभा के थे जहाँ पे नदी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोकेशन पे कभी मत आए नहाने के लिए, अदरवाइज आपकी भी जान जा सकती है। दोस्तों, इस ग्राम सभा के ही कुछ हमारी माताएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो बताएंगी कुछ, आप लोगों को संदेश भी देना चाहेंगी। जी माता जी, बताएं कुछ, क्या संदेश देना चाहेंगी? का संदेश अरे हर साल कोई ना कोई यहाँ जाता है, मान लीजिए बच्चे आ रहे हैं, बस यही निवेदन है जिसको भी ये वीडियो मिले कृपया करके यहाँ ना आए। वरना लोकेशन बता दीजिए एक बार, कहाँ पे आना ना आना है? फरदाहा गाँव। हाँ, ये क्या बोलते, छोटी गंडक यही बोला जाता है। फिलहाल मान लीजिए हर साल कोई ना कोई यहाँ मरता है। अब इतने दिन से हम लोग देख रहे हैं फरदाहा। दोस्तों, इसका नाम रखे हैं लोग फरदाहा धाम। तो आपका भी इसी वजह से लोग यहाँ 200-300 लोग रोज पढ़े आते हैं। अच्छा, कितने दूर दूर से आ रहे हैं लोग, कुछ बताया क्या लोग? पता लग रहा है हाटा, कप्तानगंज, प्राइज, गोरखपुर से लोग आ रहे हैं। अच्छा,
अब मान लीजिए अगर कोई हादसा होता है उतना दूर का आदमी इतना जल्दी कैसे आएगा यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बस यही निवेदन है कि कृपया करके जिसको भी ये वीडियो मिले, किसी को भी मिले, जो आना चाहे उसको रोक दे बस। बिल्कुल, आप सभी लोग दोस्तों हाटा कुशीनगर से हैं तो शेयर करिए, क्योंकि इतने दूर से लोग आ रहे हैं, सबके बच्चे के सबके माँ बाप होते, सोचिए उसके माँ बाप के ऊपर आज क्या बीत रही होगी, कैसे उसके घर वाले होंगे आज, है ना। तो प्लीज सबका माँ बाप का दिल है, सबके बच्चों के प्रति प्यार है, आप लोग बिल्कुल ना अपने माँ बाप की बात मानिए, और ऐसे लोकेशन पे आने से बढ़िया घर पे नहा लीजिए या कहीं 400-500 रुपए देके स्विमिंग पूल में जाकर नहा लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे ना आइए, नहीं तो हर साल लोग यहाँ पे मरते हैं। अभी इस बीच में ही कुछ हमको बताया है लोग कि 8-9 लोग मर चुके हैं यहाँ पे। हाँ, तो प्लीज आप लोग मत आए यहाँ पे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कुशीनगर से देख रहे हैं तो जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।